हेलो एवरीवन, मैं शेफाली आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई, जिसे आप किसी भी अपनी ड्रेस में, सूट में, ब्लाउज में लगा के या फिर बच्चे की फ्रॉक में लगा कर बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है जिसको मैंने नाप लिया है 7 इंच। मैंने डबल करके रखा था कपड़ा, तो 7 इंच की चौड़ाई है और 9 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस तरह से देख लीजिए, और इसको मैंने राइट और रॉन्ग देखकर कपड़े को अंदर राइट करके ऊपर से रॉन्ग करके डबल फोल्ड करके और चारों तीनों तरफ से, क्योंकि एक साइड तो हमारा फोल्ड ही है, तो तीनों तरफ से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तीनों तरफ से अच्छे से इसे हमें पैक कर देना है फिनिशिंग के साथ। सिलाई हमारी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर। और देखिए, ये तीनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से पैक हो चुका है। एक तरफ से पूरा था ही और तीन तरफ से हमने इसके पैक कर दिया है, यानी कि सिलाई लगा दी। और बीच में एक पीछे साइड से मैंने कट लगाया है कैंची से। कट हमें ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है, जिसमें से हमारा कपड़ा पूरा सीधा हो सके, हम इसे सीधा कर सकें। और चारों तरफ हम कोई नोकदार चीज़ डाल के, कैंची हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, नोक वाली चीज़ डाल के इसके सारे कोने जो हैं हम सही से कर देंगे, जिससे कि किनारे हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से इसको नाप ले रही हूँ, तो ये 8 इंच आ रहा है, जिसमें से हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी कि बिल्कुल हमें जितना भी कपड़ा है उसका आधा आधा डिवाइड कर लेना है और सुई में धागा डालना है। और बिल्कुल जो हमारी लाइन मैंने बनाई थी, मैंने पूरी नहीं बनाई, आप चाहें तो इसे पूरा बना लें और उसी लाइन के ऊपर से सुई को इस तरह से, देखिए, चुन्नट भर लें सुई से, धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे और इसे अच्छे से 3-4 बार इसमें लगा के और इसको ज्वाइंट कर देंगे, अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से मैंने इसको देखिए बांध दिया है, तो ये हमारा एक बटरफ्लाई का शेप तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे लटकन, जिसके लिए मैं देखिए यहाँ पर तैयारी कर देती हूँ। डोरी मैंने बाजार वाली ले ली है, आप चाहें तो कपड़े की डोरी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे 4x4 की, यानी कि 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा मैंने पीस कट कर लिए हैं इसी फैब्रिक के, और इसको इस तरह से स्क्वायर में हमें फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करके जो हमारी डोरी है इसको इस तरह से लगा के अंदर को हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से मजबूती के साथ सिलाई हो जाए, ताकि भविष्य में कभी ये ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखिए, एक और स्क्वायर पीस मैंने इस तरह से लिया है और बिल्कुल इस यहाँ पर पास में रखते हुए हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, पहले चल जाते थे कि सिर्फ एक ही टैसल से काम चल जाता था, लेकिन आज तो कई सारे टैसल लगाकर ब्लाउज़ की शोभा बढ़ाई जा रही है, सूट्स में हो चाहे ब्लाउज़ में हो। आप ऑनलाइन जो भी ब्लाउज़ आ रहे हैं, सबमें कई सारे टैसल देख रहे हैं, तो आज मैं भी इसमें 3-3 टैसल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 4-5-6 जितने चाहें उतने लगा सकते हैं और अपने ब्लाउज़ को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3-3 टैसल मैंने इस तरह से सिल दिए। बहुत ही ईजी है गाइस, बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में उतना ही खूबसूरत है ये। तो अब इन टैसल को हमें बस पीछे साइड से इस तरह से मोड़ देना है। पहले ये ऊपर साइड थे, अब इन्हें नीचे कर देना है इस तरीके से। देखिए, एक बेल के रूप में ये बिल्कुल घंटी की तरह तैयार हो गई है। और ये देखिए, मैंने और भी टैसल बना लिए हैं। ये मैं ब्लाउज़ में लगाने जा रही हूँ, जो ब्लाउज़ में ऊपर डोरी रहेगी उसमें 2-2 टैसल लगाए हैं, नीचे की साइड मैं 3 लगा रही हूँ। तो ये मेरा एक ब्लाउज़ बनाया हुआ है, जिसका मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है आपके साथ। अगर किसी ने ना देखा हो तो वीडियो देख सकता है वो। तो देखिए, ऊपर मैंने ये लगा दिए हैं टैसल, अब हम नीचे में लगाएंगे। तो बटरफ्लाई ब्लाउज़ में मैं इस तरह से सेट कर दूँगी, बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। सूट हो या साड़ी हो या बच्चे की फ्रॉक हो, जहाँ भी चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ड्रेस की शोभा बढ़ा सकते हैं, उसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने बैक में, ब्लाउज़ में इसमें सेट कर दिया और डोरी में इस तरीके से डोरी का ही फुल सिल दिया है। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये कभी भी ख़राब ना हो। वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस वीडियो का यहीं करते हैं एंड। और आपको ये बटरफ्लाई कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।